दोस्तों बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जो काफी होनहार थे, उनके पास गुड लुक्स भी थी और बॉलीवुड से पुराना कनेक्शन भी, पर वक्त और किस्मत उनकी और ज्यादा मेहरबान नहीं रही, जिसके चलते वो बॉलीवुड में अपना सिक्का नहीं जमा पाए। इन्हीं कलाकारों में से एक एक्टर है फराज खान। फराज के पिता भी एक एक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि फराज का व्यक्तित्व भी काफी आकर्षक था। कभी उनकी झोली में अपने समय की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी थी, पर फराज इस फिल्म को शूट नहीं कर पाए। दोस्तों कुछ लोग सुपरस्टार सलमान खान की सफलता का एक बड़ा श्रेय फराज को भी देते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि तमाम जिंदगी संघर्ष करने वाले फराज ने दुनिया को महज 50 साल की उम्र में अलविदा कह दिया था। तो आइए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और जानिए अभिनेता फराज खान की जिंदगी के बारे में। हम आपको सलमान खान के करियर से फराज का कनेक्शन और फराज के अंतिम दिनों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। एक्टर फराज खान का जन्म 27 मई 1970 को एक्टर यूसुफ खान के घर हुआ था। फराज बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। इनकी परवरिश मुंबई में ही हुई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। बहुत कम लोगों को ही पता है कि सूरज बड़जात्या की सुपरहिट मैंने प्यार किया में सलमान खान के रोल के लिए पहली पसंद फराज खान ही थे। ये बात तब की है जब एक बड़े ब्रेक के लिए फराज ऑडिशंस दिया करते थे। सूरज बड़जात्या अपनी फिल्म के लिए एक नया चेहरा चाहते थे। उन्होंने फराज की पर्सनैलिटी को फिल्म के लिए उपयुक्त समझा और फराज का सिलेक्शन कर लिया गया। इस फिल्म को लेकर फराज काफी उत्साहित थे। उन्होंने ये फिल्म साइन भी कर ली थी, पर किस्मत ने फराज का साथ नहीं दिया और शूटिंग के शुरू होने से पहले ही फराज बीमार पड़ गए। अपनी खराब तबीयत के कारण ना चाहते हुए भी उन्हें इस फिल्म से हाथ धोना पड़ा। सूरज बड़जात्या फराज की बिगड़ी सेहत के कारण उनके साथ मैंने प्यार किया की शूटिंग नहीं कर पाए थे। उन्हीं दिनों सूरज को किसी ने सलमान खान का नाम सुझाया था, जिसके बाद ये फिल्म सलमान की झोली में जा गिरी और सलमान के करियर के लिए एक सौगात बनकर आई। फिल्म मैंने प्यार किया एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया था। इसी वाक्य के चलते कुछ लोग मानते हैं कि सलमान के करियर में एक्टर फराज खान की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अपने खराब सेहत से लड़ने के बाद फराज ने दोबारा फिल्मों में आने का मन बनाया था। साल 1996 में उन्होंने विक्रम भट्ट द्वारा बनाई गई फिल्म फरेब से अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके साथ सुमन रंगनाथन ने काम किया था। इसके बाद फराज फिल्म पृथ्वी में नजर आए, जिसमें इनकी भूमिका नकारात्मक थी। आपको बता दें कि फराज ने कुल 7 फिल्मों में काम किया था, जिसमें उनकी आखिरी फिल्म थी चांद बुझ गया। एक नजर फराज की फिल्मों पर डालें तो उसमें फरेब, पृथ्वी, मेहंदी, दिल ने फिर याद किया, दुल्हन बनू मैं तेरी, बाजार, चांद बुझ गया जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों एक वक्त के बाद इनको फिल्में मिलना बंद हो गई थी। इसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे की ओर अपना रुख करने का मन बनाया। उन्होंने अचानक 37 साल बाद कोई है, रात होने को है, करीना करीना, सिंदूर तेरे नाम का, नीली आंखें जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया था। नीली आंखें उनका आखिरी टीवी सीरियल था। इस सीरियल के बाद फराज ने एक्टिंग से हमेशा के लिए ब्रेक ले लिया। उनका आखिरी टीवी सीरियल 2008 में आया था। बात इनके परिवार की करें तो इनके पिता यूसुफ खान भी एक एक्टर हुआ करते थे। उन्हें फेमस मूवी अमर अकबर एंथनी में जैबिस्को के किरदार में देखा गया था। फराज की माँ से जुड़ी जानकारियाँ और तस्वीर इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। फराज के एक भाई और बहन है। फराज के भाई का नाम फाहिद अबोशर है और उनकी बहन का नाम फाद्या अबोशर है। दोस्तों फराज की शादीशुदा जिंदगी से जुड़ी जानकारी भी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। सन 2019 में फराज के चेस्ट में न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन हो गया था। 8 अक्टूबर 2020 को उन्हें बेंगलोर के विक्रम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। उनके भाई बहनों ने फराज के लिए फंड भी इकट्ठा किया था। फराज की मदद के लिए अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री पूजा भट्ट आगे आए, पर अपनी दर्दनाक बीमारी के आगे फराज जिंदगी की जंग हार गए। 4 नवंबर 2020 को महज 50 साल की उम्र में फराज दुनिया को अलविदा कह गए। उनके असमय निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर आ गई थी। पूजा भट्ट ने उनके लिए एक पोस्ट भी साझा किया था। तो दोस्तों इस तरह एक काबिल अभिनेता बेवक्त ही दुनिया छोड़कर चला गया, पर आज भी फराज अपने प्रशंसक परिवार और कलीग्स के दिलों में बने हुए हैं। तो दोस्तों ये थी अभिनेता फराज के जीवन से जुड़ी जानकारियाँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।